कैरेट बी। सो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो फंक्शन अपने आप को कॉल तो कर रहा है, उसके बाद कॉल करने के बाद उसके बाद एक और पीछे एक लाइन रह गई है। हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें मान लीजिए, लेट्स से द प्रोग्राम इज़ गिवन टू अस, आउटपुट हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से कंप्यूटर या फिर कंप्यूट ले लेते हैं, आम सी शॉर्ट में लेते हैं, CUMPUT शॉर्ट लेते हैं कंप्यूट, ठीक है। और पी हम लोग अपनी स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से द पी हमारी स्ट्रिंग की अभी लेंथ है, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट, 0 1 2 3 4 5, सो पी इज़ व्हाट, 5, नहीं 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6, इंडेक्सिंग 0 से होती है। सो दिस इज़ व्हाट। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, पी इज़ लेस देन 0, नो, पी हम लोग यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, इट इज़ 6, इट इज़ नॉट लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, SOPLN एन डॉट कैर एट पी, ओके, एन डॉट कैर एट पी। सो नहीं, ये हमारी इंडेक्सिंग इट विल बी, हमें क्योंकि पी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सो वी हैव टू टेक इट इन द स्ट्रिंग इंडेक्सिंग ओनली, सो इट विल बी 5 ओनली। तो यहाँ पे पी 5 है, तो ये क्या हुआ, एन डॉट कैर एट पी, एन में कौन है, पी, पी पे कौन है, मतलब अगर CUMPUT, सो इट इज़ वॉट, 0 1 2 3 4 5, 5 पे कौन है हमारे पास, टी, सो टी विल बी प्रिंटेड एंड देन अ डॉट, ग्रेट। हम लोग फिर ऊपर गए दोबारा से और फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया, ठीक है। तो फंक्शन ने अपने आप को कॉल करा एन और फिर सेम बट पी माइनस 1, सो इट विल बी नाउ व्हाट, 4, सो इट विल बी व्हाट, 4। तो 4 में अब कौन आएगा यहाँ पे, इट विल बी सिंपल यू, फिर क्या होगा, दोबारा से कॉल होगा, इट विल बी 3, 3 पे कौन है, पी। तो इस तरीके से एम ओ और सी, यहाँ तक तो हमारा हो जाएगा, पी का हम लोग 2 फिर 1 एंड देन 0, तो 0 के और फिर 0, ठीक है। जैसे जैसे ही हमें 0 मिलेगा, 0 तक तो ठीक है क्योंकि 0 इज़ लेस देन 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड सी विल बी प्रिंटेड। 0 के बाद आई थिंक हमारे पास कुछ अलग वैल्यू आएगी, 0 के बाद -1, सो इट विल बी -1। -1 में हमारे पास जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट नहीं होगा और सिंपली एक ये स्पेस आएगा क्योंकि इट इज़ लेस देन 0, पी की वैल्यू 0 से कम हो गई है, -1 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे एक स्पेस, तो स्पेस को स्पेस आ जाएगा, इट इज़ स्पेस, डन। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोग्राम ओवर कर देंगे। पर क्या आपने सोचा कभी कि ये वाली लाइन तो मैम कभी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये रही गई, एग्जीक्यूट ही नहीं हुई कभी। तो यही बात हम लोग अब क्या करेंगे, स्टैक से देखेंगे कि आखिर ये अब इसको कैसे लाएं, कैरेट पी, क्योंकि यार अगर पी तो अब -1 हो गया तो -1 थोड़ी ना होगा। तो जब जब फंक्शन ये ऊपर गया था, उसके बाद जो बची हुई वैल्यूज थी, उसकी करंट वैल्यू थी और जो बची हुई लाइन है वो उसकी करंट वैल्यू से कॉल होंगी। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको स्टैक से दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बची हुई वैल्यूज जो मैंने बोली हैं वो किस तरीके से होंगी। अगेन आई विल रन दिस, अब हम लोग स्टैक से करेंगे और देखेंगे कि अब ये बची हुई जो लाइन है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। सो आई विल रब दिस अगेन एंड वी विल डू इट अगेन एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैक दिस टाइम। सो लेट्स गो अहेड। सो पी इज नाउ 5, पी की वैल्यू एस डॉट कैरेट पी, सो पी विल बी प्रिंटेड, ठीक है, सी आ गया, नहीं टी आ गया, टी विल बी प्रिंटेड विद अ डॉट, ग्रेट, ठीक है। ऊपर गए हम लोग, यहाँ से हम लोग ऊपर तो चले गए और पी की वैल्यू मैंने 4 कर दी, पर स्टैक में कहेगा कि आप बची हुई तो आप कर देते, पर उससे पहले मैं बची हुई अपनी रिमेनिंग लाइन्स एग्जीक्यूट करती, द फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ। तो बची हुई लाइन हमारी स्टैक में हम लोग कह सकते हैं बैक ऑफ द मेमोरी बोलते हैं, उसमें स्टोर हो जाएंगी विद द करंट वैल्यू पी। पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो भी डेटा है पी की वैल्यू वॉज वॉट करेंटली, जब ये ऊपर फंक्शन कॉल नहीं हुआ था, इट वॉज 5, तो 5 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे पी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर अब 4 आएगी, 4 में हमारा सिंपली कंप्यूटेशन होगी और यू विल बी प्रिंटेड विद दिस लाइन। आफ्टर दैट मैं दोबारा ऊपर गई और ऊपर जाने से पहले मैंने क्या करा, अपनी करंट वैल्यू स्टोर कर ली यहाँ पे, क्योंकि हमारा अभी बचा हुआ फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, उससे पहले ही फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया ऊपर और बचा हुआ कोड मेरा अभी भी अनएग्जीक्यूटेड है। अब पी की वैल्यू विल बी 3, सो पी विल बी प्रिंटेड कैपिटल पी विद अ डॉट एंड देन 3 वैल्यू विल बी ऑल्सो सेव्ड बिकॉज माई फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटिंग द रिमेनिंग लाइन्स। अगेन इट विल बी 2 एंड देन इट विल बी एम डॉट एंड देन 2 विल बी स्टोर्ड, आफ्टर दिस इट विल बी सी ओ एंड देन सी, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा और स्पेस आ जाएगी। सो मैं इसको दोबारा री राइट कर देती हूँ, यू एम ओ सी,
इतना तो मेरा हो गया और एक स्पेस आ गई। अब पी की वैल्यू क्या हो गई, इट विल बी वन हीयर ऑल्सो। पी की वैल्यू जीरो हुई, जीरो भी आई थी। अब जीरो के बाद वॉट इट वॉज माइनस वन, माइनस वन में वॉट इट वॉज एस ओ पी एल एन, एस ओ पी एल एन मतलब ब्लैंक, ठीक है, और रिटर्न मतलब ख़त्म। उसके बाद मेरे पास आप मेरा फंक्शन ने अपने को कॉल नहीं करा, तो फंक्शन ने देख लिया ओके अब मेरा काम हो गया है, अब ये एक बार अपने आप को कॉल करने का। तो अब फंक्शन क्या करेगा, जो बचा हुआ स्टैक में पीछे की जो लाइंस थी उनकी कंप्यूटेशन से रह गई थी जो, क्योंकि फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा था, वहाँ पे जाएगा और दोबारा से स्टार्ट करेगा कॉलिंग करना। ओके, कॉलिंग करना शुरू करेगा, तो वो स्टैक हमेशा हमें वो ऊपर से शुरू करेगा। तो ज़ीरो पहले मतलब पी की वैल्यू ज़ीरो के लिए, तो क्या था हमारी लाइन, जब हमारी पी की वैल्यू ज़ीरो थी लाइन में क्या आएगा, एन डॉट एच डॉट कैरेट पी, पी में कौन है हमारे पास, पी में ज़ीरो है, ज़ीरो इस समय, ज़ीरो में वॉट सी, तो सी आएगा, ठीक है। एंड देन अगेन इट विल रिटर्न, फिर अब क्या होगा यहाँ पे देखेगा, अच्छा रिटर्न करेंगे तो कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई ऐड वैड कुछ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं हो रहा है, बस सिंपली सिस्टम प्रिंट होती जा रही है लाइनें। तो अब पी की वैल्यू क्या थी, वन, पी की वैल्यू वन पे कौन है हमारे पास, इट इज़ ओ, सो ओ विल बी प्रिंटेड, एस ओ पी है, एल एन नहीं है, इसलिए मैं एक ही लाइन में प्रिंट कर रही हूँ। फिर हमें टू मिलेगा, टू वॉज ऑल्सो लेफ्ट अनएग्जीक्यूटेड, उससे पहले ही फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया, इट विल बी एम, एंड देन इट विल बी थ्री, थ्री पे कौन था, इट विल बी पी, एंड देन फोर एंड फाइव, सो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। सो द आउटपुट विल बी, आई विल री राइट दिस, पी यू एम ओ सी एंड देन दीज आर द डॉट्स, आफ्टर द डॉट्स इट विल बी सिंपली, आई विल जस्ट इरेज दोज थिंग्स, ओके, तो क्लियर आ जाएगा आउटपुट आपको विजिबल, एंड देन उसके बाद सी ओ यू एम पी यू टी, और यहाँ पे एक स्पेस था जो हम विजिबल अभी यहाँ पे नहीं हो रहा, बट इट विल बी देयर। तो आप चाहें तो वो स्पेस को लिखने के लिए यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस का जो एस्केप सीक्वेंस होती है ना वो लिख दीजिएगा, तो उससे एग्जामिनर क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये जो एग्जीक्यूट हुई थी ये वाली लाइन, ओके।